प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज माय न्यू वीडियो ऑन हेयर इज डू डस एंड डिड। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। सो डू डस और डिड का यूज हम कहां करते हैं? जब भी आपका कोई भी सेंटेंस लास्ट में ताती ते से फिनिश हो रहा है, जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं उसमें ये वर्ड यूज हो रहे हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा, मैं जाता था, मैं ये करता था, आप मिलने आते थे, मतलब जब भी कोई आपका सेंटेंस लास्ट होता है इन वर्डों से, तो यानी कि वहां पे आप डू डस डिड का यूज करेंगे। सो जब भी आप अपनी बात को खत्म करते हैं इन शब्दों से, तो वहां पे आप यानी कि डू डस डिड का यूज करते हैं। अब डू और डस और डिड का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डू का यूज करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ, और प्लूरल नाउन हमारे होते हैं आई वी यू दे। ये हमारे प्लूरल नाउन है जिसके साथ हम डू का यूज करेंगे। और ही शी इट ये हमारे सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम डज का यूज करेंगे। और डिड हमारा जो कि एक पास्ट में बनता है सेंटेंस, वो डज और डू जो दोनों की ही जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम डिड का यूज करेंगे। और जब भी हम डू डज डिड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन भी किया है, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और डू को प्लूरल नाउन के साथ और डज को सिंगुलर नाउन के साथ, एंड द लास्ट डिड दोनों के साथ यूज होगा। सो यहाँ पर मैंने डज और डू से कुछ सेंटेंस बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट हमारा डज, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। फर्स्ट है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। शी डज नॉट हेल्प हर फ्रेंड, वह अपनी दोस्त की मदद नहीं करती है। इट रेन्स बारिश होती है। ही डज नॉट फॉलो माई ऑर्डर, वह मेरा आदेश नहीं मानता है। रमा डज नॉट फाइट विथ एनीवन, रमा किसी के साथ नहीं लड़ती है। तो ये सारे ही सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आपकी बात खत्म होती है ता ती ते वर्ड होते हैं तो वहां पे हम डज डू का यूज करते हैं। और डज का यूज हमने ही शी इट, बस हम डज का यूज करेंगे ही शी इट के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है डू। डू से आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। वी ऑलवेज लिसन टू अवर एल्डर्स, हम हमेशा अपने बड़ों की बात सुनते हैं। यू डू नॉट फिनिश योर लंच डेली, तुम रोजाना अपना खाना खत्म नहीं करते हो। दे डू नॉट टॉक विद मी, वे सब मुझसे बात नहीं करते। खत्म होती है और लास्ट में ता वर्ड यूज होता है तो वहां पे हम डू डज का यूज करते हैं। और डू का यूज हम आई वी यू दे इनके साथ करते हैं, और ही शी इट के साथ हम डज का यूज करते हैं। सो डू और डज का मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं डिड का यूज कैसे करते हैं। सो अब हम आपको बताते हैं डिड के बारे में कि हम डिड का यूज कहाँ करते हैं। जब भी आपकी बात जो आप बता रहे हैं वो पास्ट की है तो आप डिड का यूज करेंगे। जैसे कि वी विल यूज डिड व्हेन आवर सेंटेंस इज इन पास्ट, जब कोई भी काम हम पास्ट में कर चुके हैं उसके बारे में बताते हैं तो हम डिड का यूज करते हैं। और डिड डज और डू दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं दोनों में ही यूज करते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों में ही डिड का यूज होता है, क्योंकि डिड हमेशा पास्ट के सेंटेंस में यूज होते हैं। देखिए कुछ सेंटेंस बनाए मैंने, ही डिड हेल्प यू, उसने आपकी मदद करी, यानी कि वो मदद कर चुका है, वो पास्ट की बात कर रहा है। आई डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर माई रूम विद राम, मैं राम के साथ अपना कमरा साझा नहीं करना चाहता था। शी डिड हेल्प मी वेन आई वॉज इन ट्रबल, उसने मेरी सहायता करी थी जब मैं परेशानी में था। वी डिड नॉट लिव विद हिम इन दिस हाउस, हम इस घर में उनके साथ नहीं रहते थे। इट डिड रेन यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। सो ये सारे सेंटेंस जो भी इसमें हैं वो सब पास्ट में हो चुके हैं, जो काम पास्ट में हो चुका है वो यहाँ पे हम बता रहे हैं, वो सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो जो भी काम आपका पास्ट में हो चुका है तो वहाँ पे हम डिड का यूज करते हैं। और ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन, दैट मीन्स डू और डज दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ इसको हम यूज करते हैं, बट हमारा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। और डू और डज से जो भी सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट में होते हैं, और डिड से पास्ट में।
सो जब भी आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और आपकी जो बात है लास्ट में, ताकि वो वर्ड यूज हो रहा है आपके सेंटेंस के लास्ट में, तो वहां पे आप डू डज का यूज करेंगे। एंड अगर वही बात आपकी पास्ट में की जा रही है, पास्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो वहां पे आप डेट का यूज करेंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।